हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चेहरे के कालेपन को दूर करने का एक घरेलू नुस्खा। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो घरेलू नुस्खा क्या है और इसमें क्या चीज़ें हैं जो हम मिलाएंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं लूँगी एक पोटैटो, आलू। आलू आप सबके घर में आराम से मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इस आलू को छील के और इसे घिस लेना है। कद्दूकस की मदद से इसे घिस लेंगे और फिर छन्नी की मदद से हम क्या करेंगे, इसका जूस निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आलू जो होता है वो स्टार्च से भरपूर होता है और स्किन के कालापन को दूर करने में नंबर वन वर्क करता है और ये हमारी टैनिंग को रिमूव करने में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है और ये एक नेचुरल क्लींजर का भी वर्क करता है। तो हम आलू का रस ले लेंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ ले लिया है 2 चम्मच। और इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक जो होता है वो स्क्रबिंग वर्क करता है फ्रेंड्स और हमारी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है, हमारे ब्लैक हेड्स को निकालने में हेल्प करता है। ये डाल देंगे और इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट्स जो है ये है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फेस के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, ये हमारे फेस में गंदगी और मैल को निकालने में बहुत हेल्पफुल होती है, हमारी स्किन पे ग्लो और शाइन लाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हम इसमें मिलाएंगे और चौथा इंग्रेडिएंट्स हम इसमें मिलाएंगे आटा। ये गेहूं का आटा है, आपको घर में मिल जाएगा। आटे में अल्फा ऑर्बिटिन पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए इंस्टेंट ग्लो का वर्क करता है, बहुत हेल्पफुल होता है ये स्किन में ग्लो लाने के लिए। तो मैं यहाँ आटा मिला लूंगी थोड़ा सा। लीजिए, हमारा पैक बनके तैयार हो गया है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिला लेना होगा। देखिए, ये बनके तैयार हो गया है। बहुत आसान तरीका है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत ही इंस्टेंट ग्लो वाला ये फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, इसे हम लेंगे और क्या करना है, हमें अपने फेस से लेके नेक पे इसे अप्लाई कर लेना है। ये मैंने कर लिया है, अच्छे से। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन के लिए इंस्टेंट ग्लो का वर्क करते हैं। ये हार्मफुल नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं और स्किन की टैनिंग रिमूव करेगा, डेड स्किन को निकालेगा और स्किन के जो स्क्रबिंग का काम है वो करेगा और ब्लैक हेड्स को निकालने में हेल्पफुल करेगा। लगाने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट जो है अच्छे से स्किन पे अप्लाई करना है और हमें इसके सूखने का इंतज़ार करना है। तो ये 15 to 20 मिनट्स में सूख जाएगा हमारा पैक और सूखने के बाद में फ्रेंड्स, हमें इसको डायरेक्ट पानी से नहीं हटाना है, हमें इसे हल्के हाथों से रगड़ना है, जैसे कि आप अपने चेहरे पे कोई मसाज करते हैं क्रीम लेके, उस तरीके से हमें इसे मसाज देनी है। जब हम इसे मसाज देंगे आफ्टर 15 मिनट्स तो ये अपने आप रिमूव होगा, जिसके साथ हमारी डेड स्किन रिमूव होगी और हमारी टैनिंग रिमूव होगी। ये एक बहुत हेल्पफुल और आयुर्वेदिक और बहुत इंस्टेंट ग्लो का फॉर्मूला है। विद इन 7 डेज आपको इसमें इंस्टेंट ग्लो आपकी स्किन में नजर आएगा, जो आपको किसी कॉस्मेटिक से नहीं नजर आएगा और ये नेचुरल है। तो ये हम 15 मिनट के बाद इसे ऐसे धो लेंगे रगड़ के। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन के अंदर आपको ग्लो नजर आएगा, एक शाइन नजर आएगी और ये देखिए आपको मेरी ये वाली स्किन रूखी नजर आएगी। तो ये मैंने अप्लाई किया था, आप भी इसे अप्लाई करिए, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बहुत हेल्पफुल है और प्लीज आप इसे रोज अप्लाई करिए, आपकी स्किन में एक शाइन, एक ग्लो बहुत अच्छा आएगा, कालापन दूर हट जाएगा, टैनिंग हट जाएगी। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।